अयोध्या में सीएम योगी ने की सरयू पूजा, काबुल नदी के जल से किया राम जन्मभूमि का जलाभिषेक, अफगानिस्तान की बच्ची ने भेजा था जल, रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी ने किया अयोध्या का दौरा, रामलला के दर्शन के दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में सीएम योगी ने किया साधु संतों का सम्मान, रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शिरकत की, दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में सीएम योगी ने किया रामायण कॉन्क्लेव का समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। अयोध्या में 5 दिवसीय दीपोत्सव में विदेशी कलाकार भी करेंगे रामलीला का मंचन, श्रीलंका और नेपाल की रामलीला का होगा प्रस्तुतीकरण। अयोध्या में 8 राज्यों की रामलीला का होगा मंचन, बंगाल जम्मू कश्मीर कर्नाटक समेत अन्य राज्य के कलाकार करेंगे रामायण की प्रस्तुति। अयोध्या में 1 नवंबर से होगी दीपोत्सव की शुरुआत, रामकथा पार्क में होगा रामायण प्रसंग का गायन, निकलेंगी 11 झांकियां। बीजेपी के सामाजिक परिवर्तन सम्मेलन में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, पहले मैं और मेरा परिवार के लिए ही सरकारें होती थी, हमारे लिए 130 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार। निषाद वोटरों पर डोरे डालने में जुटी बीजेपी ने प्रयागराज में नौका यात्रा का आयोजन किया, गंगा में उतरी बीजेपी के झंडे वाली नावें, कैबिनेट मंत्री ने नौका यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हाथरस में 577 मीटर लंबे ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया लोकार्पण, 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाए ब्रिज। हरदोई में दिखा अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम, गांधी सरदार पटेल से की जिन्ना की तुलना, जिन्ना को बताया महापुरुष, कहा तीनों की विचारधारा एक जैसे, देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का अहम योगदान। अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना, कहा सपा सरकार में किए गए कार्यों का हो रहा उद्घाटन। और नाफ में अखिलेश यादव शहीद समाधि स्थल पहुंचे, शहीद कैलाश यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रयागराज में सपा की किसान नौजवान पटेल यात्रा का समापन, नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा, शिवपाल की पार्टी से गठबंधन पर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे शाहजहांपुर, कहा बीजेपी को बंगाल से भी खदेड़ा और यूपी से भी खदेड़ा जाएगा। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया, कहा वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, सपा से गठबंधन की दिली इच्छा भी फिर जाहिर की। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, कहा देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं, यूपी में कहीं नहीं दिखता विकास। गोरखपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा, प्रतिज्ञा रैली लेकर पहुंची है गोरखपुर, हम वचन निभाएंगे का दिया नारा। आगरा पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, यात्रा में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए, सरकार पर निशाना साधा। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया घोषणा पत्र, 1 करोड़ नौकरी का वादा, 22 के लिए 22 वादों का दिया लॉलीपॉप। आज सहारनपुर से वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित किया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल पर मायावती का ट्वीट, लिखा इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का दौर शुरू, ऐसे बरसाती मेंढकों से दूर रहे बीएसपी। नवंबर में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे ममता बनर्जी, टीएमसी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगी, पार्टी नेताओं संग बैठक करेंगे। ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज मूर्ति विवाद को लेकर गुर्जर समाज ने महापंचायत बुलाई, गुर्जर समाज ने किया दिवाली नहीं मनाने का फैसला, सम्राट मिहिर भोज के नाम पर यूनिवर्सिटी की मांग। मिर्जापुर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण, अनुप्रिया पटेल ने दी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि, दिल्ली में स्मारक बनाने की मांग रखी। रायबरेली में सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे कई लोग सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। बलिया में सरदार पटेल की जयंती पर 100 मीटर तिरंगा यात्रा का आयोजन, एनसीसी कैडेट भी शामिल हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 1 और 2 नवंबर को आजमगढ़ दौरा, कलेक्ट्रेट ब्लैक पॉटरी प्रदर्शनी और वृद्धाश्रम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीतापुर में अधिशासी अधिकारी की मनमानी से नाराज हुए सभासद, 16 सभासदों ने एक साथ डीएम को सौंपा इस्तीफा, अधिशासी अधिकारी ने मामले में सफाई दी। कानपुर में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने ली आर्यन खान पर चुटकी, कहा उन्हें बेल मिली है नोबल नहीं, कोई देशभक्ति का काम नहीं किया। यूपी में 9 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट, पुलिस ने शुरू किया सघन चेकिंग अभियान। रायबरेली में 9वीं की छात्रा और उसकी मौसी की गला रेत कर हत्या कर दी, डीह थाना इलाके के कचनावा गांव का मामला, मामले की जांच में जुटे पुलिस। अयोध्या में महिला बैंक अफसर सुसाइड मामला, पीड़ित परिवार को पुलिस ने दिलाया न्याय का भरोसा, डीसीपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। लखीमपुर खीरी में घर से स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं लापता हुई, पुलिस की 4 टीमें छात्राओं की तलाश में जुटी। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में पार्किंग स्टाफ की गुंडई, नो पार्किंग में कार खड़ी करने पर युवक को पीटा, वीडियो वायरल।
हापुड़ में सराफा बाजार में सीसीटीवी में कैद हुई लाइव चोरी, ग्राहक बनकर आई महिला ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। बलिया में पुलिस ने दो पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, पुलिस के ऑपरेशन की लाइव तस्वीर आई सामने, देवरिया पुलिस और बलिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। प्रतापगढ़ में त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने की कार्रवाई, लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए, एक मकान में चल रही थी पटाखों की फैक्ट्री। आगरा में पुलिस ने तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, 5 बाइक और कैश बरामद। नोएडा में पुलिस ने हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, कब्जे से हथियार बरामद। सुल्तानपुर में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लूटा हुआ कैश बरामद। बरेली में युवक ने किया युवती पर हमला, घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया। बदायूं में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का वाई सर्वेक्षण, बाढ़ पीड़ितों के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मेरठ में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ग्रस्त गांव का जायजा लिया, हस्तिनापुर में निरीक्षण के दौरान बाढ़ नियंत्रण मंत्री दिनेश खटीक मौजूद रहे। सीतापुर में मेन मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ, दुकान में कोई भी मौजूद नहीं था। उनाफ में जंगल में अजगर दिखने से हड़कंप मचा, ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। कानपुर में जीका वायरस संक्रमितों की संख्या हुई 10, आज जीका वायरस के 6 पॉजिटिव केस आए सामने, लगातार सामने आ रहे मामलों से हड़कंप। उनाफ में आज से बंद हो जाएगा दूरदर्शन टावर, रायबरेली हरदोई और कानपुर तक थी फ्रीक्वेंसी 230 मीटर ऊंचा टावर। अमरोहा की रहने वाली माधुरी इसरो में वैज्ञानिक बनने के बाद पहली बार पहुंची अपने घर, माधुरी का जोरदार स्वागत हुआ। फरुखाबाद में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए खास पहल, टॉयलेट पेपर से मतदान करने की व्यवस्था रहेगी, एडीएम ने जानकारी दी। एटा में कुम्हारों के चेहरे की लौटी मुस्कान, दिवाली के त्योहार पर बढ़ा दियो का व्यापार, कुम्हारों को इस साल अच्छे फायदे की उम्मीद। चंदौली में दिवाली पर चाइनीज छालरों ने मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों की बढ़ाई चिंता, बिक्री न होने से मायूस है कुम्हार। बीजेपी ने तेज की पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारी, कल दिल्ली में होगी बीजेपी की अहम बैठक, मीटिंग में सीएम धामी और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। देहरादून में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी ने रन फॉर यूनिटी को किया फ्लैग ऑफ, कहा सरदार के जीवन से प्रेरणा ले युवा। टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 37 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जाखणी चौरास पेयजल पंपिंग योजना, 33 केवी विद्युत सब स्टेशन और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, सरकार कर रही है सैनिकों का सम्मान, गृह मंत्री के संबोधन से कार्यकर्ताओं में जोश। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव को देखते हुए सैनिक परिवारों को लुभाने में जुटी, कांग्रेस ने आयोजित किया पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम, हरीश रावत ने कहा हमारी कोशिश 20% टिकट पूर्व सैनिकों को। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे टिहरी, गेस्ट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। उधम सिंह नगर के जसपुर में आप कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के कार्यालय का घेराव किया, आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता 5 साल के कार्यकाल का हिस्सा मांग रही है। आपकी तिरंगा यात्रा आज हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। अल्मोड़ा के वन विभाग में लीसा कारोबार अब डिजिटल माध्यम से होगा, वन विभाग ने इसके लिए मोबाइल ऐप बनाया, लीसा विदोहन और भुगतान होगा आसान। चक्राता सड़क हादसे में सीएम धामी ने किया है आर्थिक सहायता का ऐलान, मृतक के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपए, गंभीर रूप से घायलों को दी जाएगी 25,000 की मदद। चक्राता में हुए सड़क हादसे के बाद एसटीआरएफ की टीम मौके पर तैनात, बॉडी बैग के जरिए पहुंचाए गए शव। रुद्रप्रयाग में देर रात भटके यात्रियों का एसटीआरएफ ने किया रेस्क्यू, कुल 11 यात्रियों के एसटीआरएफ ने बचाई जान। उत्तराखंड के लालकुआ में चलती कार में आग लग गई, बरेली नैनीताल हाईवे पर हादसा हुआ, ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचाई। अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत पर फूटा वाल्मीकि समाज का गुस्सा, कोतवाली का घेराव किया, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, राजस्व विभाग पर उत्पीड़न का आरोप। रुद्रप्रयाग के बड़खिल गांव में जंगली जानवरों का आतंक, 1.5 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को मार चुके जंगली जानवर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। काशीपुर में चोरी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे, मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुख्य मठ में होगा, श्रद्धालु लगातार गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बंद हुए भगवान तुंगनाथ के कपाट, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त ने लगाए जय भोले के जयकारे। उत्तरकाशी में परिवहन विभाग ने की बड़ी पहल, गांव में ही बनाए जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को प्रेरित किया। देश को एकता के सूत्र में पिराने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन।
सरदार पटेल जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। पीएम ने कहा, सरदार पटेल के सपनों का उत्सव है भारत का अमृत महोत्सव, एकता से देश बढ़ेगा आगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती आज। गुजरात के केवड़िया में अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को नमन किया। केवड़िया में एकता दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। परेड में सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। एकता दिवस परेड में टोक्यो ओलंपिक विजेताओं ने भी हिस्सा लिया। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि आज। कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। 3 नवंबर को पीएम मोदी 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ पर जोर दिया। कहा, वैश्विक चेन सप्लाई में भारत की अहम भूमिका। G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन का दौरा किया। फाउंटेन में मौजूद रहे G20 के सभी नेता। राज्यसभा सीट के लिए 29 नवंबर को उपचुनाव होगा। केरल और पश्चिम बंगाल में खाली है राज्यसभा सीट। समीर वानखेड़े से मिले राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने वानखेड़े के ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जांच की। समीर वानखेड़े के बचाव में आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, दलित होने की वजह से बनाया जा रहा निशाना, आरोप साबित करे नवाब मलिक। जेएनयू में देश विरोधी पोस्टर लगाने के बाद कश्मीर पर होने वाली वेबिनार रद्द। प्रोफेसर्स ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम से यूनिवर्सिटी की हो रही है बदनामी। जेएनयू में लगे देश विरोधी पोस्टर्स के खिलाफ एबीवीपी ने कैंपस में विशाल एकता मार्च निकाला। विवादित वेबिनार का विरोध किया। भारत की समुद्री ताकत बढ़ी। नौसेना में शामिल हुआ एयरएच थ्रोफ हेलीकॉप्टर। कोची में स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत पर हुई लैंडिंग। झारखंड के चतरा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 48 घंटों के भीतर टीएसपीसी के एरिया कमांडर समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़। सदर बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे लोग। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में भी उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़। कोरोना से बेखौफ होकर लोग कर रहे मार्केट है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,830 नए मामले। 446 लोगों की कोरोना से मौत। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर 35-35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 109 जबकि 98 रुपए प्रति लीटर डीजल। अफगानी महिलाओं ने लगाई मदद की गुहार। बढ़ती सर्दी के कारण जा रही बच्चों की जान। सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। यमन में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के गेट के पास धमाके में 6 की मौत जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल। हमले की वजह का पता नहीं। एक ट्रक में ब्लास्ट हुआ। रूस समर्थक क्रीमिया में कोरोना को रोकने के लिए प्रवेश चौकियां बनाई गई। एंट्री के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र या फिर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। दक्षिणी पेरू में सोने की खदान के कैंप में आग लग गई। मीडिया के मुताबिक पेरू में खनन गतिविधि के विरोध में आग लगाई गई। हांगकांग में हैलोवीन डे के मौके पर दिखी स्क्विड किलो की धूम। लोग मास्क और रेड हुडी पहनकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का आज हुआ अंतिम संस्कार। शनिवार को आखिरी दर्शन के स्टेडियम में समर्थकों की भीड़ उमड़ी।